हेलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग. नाउ से मी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर उर्दू लेसन. लेट्स रिकॉल आवर प्रीवियस हर्ब, व्हाट वी हैव लर्न यस्टरडे. ते, हाँ जी, हमने कल ते पढ़ा था. ते की बड़ी शक्ल और ते की छोटी शक्ल. वेरी गुड. कल आपने ते के फ्रेंड्स पढ़े थे और आज हमने ते की राइटिंग करनी है. कैन यू टेल मी एनी फ्रेंड ऑफ ते? ते के किसी फ्रेंड का आपको नेम याद है? वेरी गुड. ते तरबूज, एक्सीलेंट. ते ताज, वाओ, यू रिमेंबर इट, गुड. अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसमें से ते कहाँ पे है, ते तरबूज और ते ताज में? यस, ये जिसके ऊपर दो नुक्ते हैं वो है ते. ते तरबूज, ते ताज. वेरी गुड प्ले ग्रुप, क्लैप फॉर योरसेल्फ. अब हम क्या करेंगे, हम ते की, अब मैम आपको ये दिखाएंगी कि ते को हमने कैसे राइट करना है. जैसे आपने बे और पे लिखा, ये बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं और ये क्या होता है, ये ते होता है. ये ते की छोटी शक्ल है. वेरी गुड. नाउ यू कैन राइट इट, एक्सीलेंट. और ये देखें, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रात. रात में ते कहाँ है, उसको ज़रा आप हाईलाइट करें. और दरख्त में ते कहाँ है, ये ते है एंड पे. ये देखें, ये रात है और ये दरख्त है, दोनों में ते आता है, ते का साउंड. ये रात में और दरख्त में, ये है ते. जो रेड एरिया है वो क्या है, ते. हर्फ को हमने रेड कर दिया है. और ते की अब हम पूरी शक्ल लिखेंगे, ठीक है? अभी आप ट्रेसिंग करेंगे ते के ऊपर ऊपर, प्यारा प्यारा डॉट्स के साथ, डॉट्स के ऊपर राइट करेंगे. ये ते है, जैसे आप बे और पे लिखते हो बिल्कुल वैसे ही है, बस इसके ऊपर दो नुक्ते आएंगे, लाइक दिस. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस विद द फिंगर ऑन दिस, ओके? फिंगर के साथ इसके ऊपर प्रैक्टिस करें. वेल डन, यू कैन राइट इट वेरी वेल. यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट विद द फिंगर. देन Here is a worksheet. यहाँ पे आपने ते की पूरी एक्सरसाइज करनी है. इसके ऊपर आपने जस्ट ट्रेसिंग करनी है. इट्स वेरी इजी फॉर यू, ठीक है? स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, फॉलो द डॉट्स टू कंप्लीट इट, यस, एंड देन पुट टू डॉट्स ऑन इट. कौन सा हर्फ है ये, ते. और ते के नीचे क्या बना हुआ है, ते का फ्रेंड, ते से तितली. आपने वर्किंग करने के बाद तितली में प्यारे से कलर्स भी करने हैं, ओके? गुड टू सी यू ऑल. And we will meet again, inshallah, very soon we will meet again.